तो मोदी जी कह रहे हैं राजनीतिक भूचाल आ जाएगा 4 तारीख को। एक ऐसे भूचाल की प्रेडिक्शन एक बार राहुल गांधी भी कर चुके हैं। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं देश के अंदर भूचाल आएगा, राजनीतिक भूचाल आ जाएगा। ममता बनर्जी चुनौती दे रही हैं, सारे इंटरव्यू फिक्स थे प्रधानमंत्री के, निजी सवाल निजी जवाब, मतलब क्वेश्चन बता दिया जवाब लिख के दे दिया प्रधानमंत्री ने। वो चैलेंज कर रही है, आओ सबके सामने इंटरव्यू करो, गुजराती में बोलना है तो गुजराती में बोलो, सबको खुल के पूछने दो जो पूछना है। हालांकि ये दावा गलत है उनका। किसी को ममता जी इंटरव्यू किसी को दिया? सर नेशनल मीडिया में तो मैंने नहीं देखा कहीं। नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो दे ही नहीं सकती हैं। अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पर वो हो सकता है कि वो माइक फेंकना तो छोड़िए, वो पानी फेंक करके पत्रकार पे चल देंगी। जो ममता बनर्जी की राजनीति है, आप उसमें वो कुछ भी कर सकती हैं। मैंने उनकी बराबरी की जाए तो एक तो है कि राहुल जी कुछ भी बोल सकते हैं, दूसरी ममता बनर्जी भी कुछ भी बोल सकते हैं। दोनों में अंतर एक ही है। इंटरव्यू तो राहुल जी ने भी नहीं दिया। नहीं, हाँ मैंने, ये भी गंभीर सवाल है। राहुल जी असल बात, जब से एक पत्रकार ने उनकी पूरी राजनीति एक्सपोज कर दिया, तो बहुत बड़े मैंने एक बड़े संस्थान के मालिक हैं, आपके चैनल पे नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जब से उनको एक्सपोज किया तब से राहुल गांधी जी का एक इमेज जो देश की जनता के बीच में बना, वो सोशल मीडिया पे, मैं बता रहा हूँ, उसने राहुल गांधी के पूरे जो राजनीतिक कॉन्फिडेंस था उसको खत्म कर दिया है। 19 में तो इंटरव्यू दिए थे सर उन्होंने, दिए थे, इस बार नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं आज? क्यों नहीं दे रहे हैं? लोग पत्रकार तो लालाई थे, आज वो कह दें तो आप तो दौड़े हुए भागते हुए चले जाएंगे। आप ही नहीं, कई पत्रकार भागते हुए चले जाएंगे। कम से कम कुछ नहीं तो उनके अपने दरबारी पत्रकार को तो दे देते, उनके कई दरबारी एंकर हैं, उनके कई जो यूट्यूबर जो हैं बड़े, उनके बड़े। मैं अब इस टर्म में तो बिलीव नहीं करता सर, लेकिन यह है कि हाँ, मतलब ये बात अजीब है, प्रधानमंत्री ने जितने इंटरव्यू दिए इस बार उन्होंने भी इससे पहले कभी नहीं दिए थे, इस पर भी बात होनी चाहिए। और राहुल गांधी ने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, शायद एक आधा उन्होंने शायद किसी यूट्यूबर को ही दिया है मेरे ख्याल से, मैंने देखा नहीं लेकिन चर्चा में आया था। राशिद साहब, मतलब बीइंग अ जर्नलिस्ट नहीं, कुछ ऑड लग रहा है आपको इस चुनाव में? ये देखिए, ऑड कहना तो एक, जैसा हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा, एक हम अपनी एक निजी राय का इजहार कर सकते हैं। दरअसल राजनेता जो है सौरभ, वो बड़ा संभला हुआ और सुलझा हुआ होता है, उसको मीडिया का प्रयोग करना आता है। अब हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें, इस बार आप देखिए कि 19 के मुकाबले में 3 या 4 गुना उन्होंने, जो जिसे हम कहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया, जो बड़े बड़े समाचार पत्र हैं या उससे जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं, मीडिया नेटवर्क्स हैं टेलीविजन के, उनको इंटरव्यू दिया है, जो पहले 19 में हमें नहीं नज़र आया था और बीच के पीरियड में भी नहीं नज़र आया था। उस इंटरव्यू देने के लिए उनका एक पर्पज़ है। मुझे लगता है कि जैसा हमें लगता है कि चुनाव 24 का चुनाव थोड़ा कठिन है, थोड़ा फंसा हुआ है, किसी भी तरफ जा सकता है, बुल बेयर, पता नहीं क्या होगा, तो उसमें वो जो ये परंपरागत मीडिया के जो सोर्स हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविजन, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं और उसमें जो संवाद या जो बातें वो कहते हैं, उनकी पूरा जो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप और दुनिया भर का उसको उसका प्रचार प्रसार करता है, ये उनकी स्ट्रेटेजी है। कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी अलग है। राहुल गांधी को कहीं लगता है, अब इसके ऊपर ये विवादास्पद बात है, उन्हें लगता है कि वो इस समय कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, दर्जनों इंटरव्यू दिए। राहुल गांधी एक प्रत्याशी थे रायबरेली में, वहाँ उन्होंने इंटरव्यू दिए, वानियाड में इंटरव्यू दिए। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत करते हैं, दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं भारत जोड़ो फेज टू के बाद भी और उसके बाद भी बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की है। अब आप मुकाबला करेंगे कि साहब इंटरव्यू देना बेहतर है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बेहतर है, ये सब चर्चा की बात है। हम मैं अपने मीडिया कर्मी के लिए ये दोनों चीज़ें स्वागत हो गया, ये कर्तव्य की चीजें होती है, कोई कर रहा है बहुत अच्छा, नहीं कर रहा है उस पर भी हमें उंगली नहीं उठानी चाहिए। तो तमाम राजनीतिक दल, ममता बनर्जी बंगाल की लीडर है, बंगाल में उन्होंने BCO इंटरव्यू दिए, आनंद बाजार को दिया है, बहुत सारे वहां पर लोकल चैनल्स पर लोगों से बातचीत करती है, और ममता जो है बहुत अपने इस काम में मीडिया रिलेशन में निपुण है। तो हर ठीक है, नाक पकड़ने वाली बात है। मोदी कह रहे हैं कि राजनीतिक भूचाल आएगा 4 तारीख को, उन्होंने बंगाल के लिए प्रेडिक्शन ये किया है कि मेरा, हमारे लिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बंगाल होगी, बंगाल हम स्वीप करेंगे, एक तरफा होगा बंगाल का। इससे पहले मेरे मित्र बोले, क्योंकि मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, मैं ये बोलूँ कि जब 1998 का चुनाव था तो कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी थे, तो मैं उनके पास गया और मैंने पूछा केसरी जी चुनाव का रिजल्ट, तो उन्होंने कहा परिणाम चौंका देने वाले होंगे, कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब था, अटल जी चौंकाने वाले होंगे। तो अगले दिन मैं फिर गया, मैंने कहा केसरी जी आपने क्या कहा, कहने लगा मैंने तो पहले ही कहा था। तो ये जो भूचाल की बात होती है, ये भी कट्स बोथ वेज।